Hello everyone, we will solve another problem at the HackerRank platform today. Castle on the Grid is the name of the problem, and we have been solving the problems related to the graph, and this also relates to the BFS of the graph. That's why we have picked this problem. Let's try to understand this. You are given a sequence, you are given a square grid with some cells open, dot, and some block X. Your playing piece can move along any row or column until it reaches the edge of the grid or a block cell. Given a grid, a start and a goal, determine the minimum number of moves to get the goal. Okay, so here is an example given. Let's say that this example is dot, 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 then dot, x, dot, and dot, dot, dot. So what does this say? कि हमारे पास एक ग्रिड है और इस ग्रिड में ये 3x3 की ग्रिड है और इसमें कुछ पोजीशन में डॉट्स हैं और कुछ पोजीशन पे एक्स है। मुझे जो है वो गोल्स पे पहुंचना है। यहाँ पे स्टार्ट सेल गिवन है 0 0, इसका मतलब कि ये मेरा स्टार्ट सेल है, और जो टारगेट सेल है वो 1 2 है, इसका मतलब कि फर्स्ट रो एंड द सेकेंड कॉलम। सो दिस इज द फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दिस इज द टारगेट। नाउ आपको यहां से पहुंचना है टारगेट सेल पे, आपको ये बताना है कि इसमें कितना एफर्ट लगेगा या इसमें कितने स्टेप्स लगेंगे। आप किसी भी पोजीशन से कितने भी मूव्स कर सकते हैं। यू कैन कंसीडर कि जो हमारा जो पोजीशन है जहां से हमें मूवमेंट करना है, हमारे पास एक चेस बोर्ड है, हम मान सकते हैं उस चेस बोर्ड में मेरे पास एक हाथी है जो कि हॉरिजेंटली और वर्टिकली कितने भी मूव्स चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने माना कि हमारा यहाँ पे हाथी है तो वो एक स्टेप यहाँ पे भी जा सकता है और एक स्टेप में यहाँ पे भी आ सकता है। सिमिलरली, अगर वो हाथी यहाँ पे पहुंच चुका है तो वो एक ही स्टेप में पहुंच चुका होगा, दूसरे ही स्टेप में वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसमें टोटल जो एफर्ट लगेगा वो 2 लगेगा। एक दूसरा भी रास्ता वो अख्तियार कर सकता है, हो सकता है कि हाथी नीचे चला जाए, एक मूव लगा उसको, वो यहाँ से यहाँ चला जाए, 2 मूव लगा उसको, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, जिस केस में 3 मूव लगेंगे। सो हमारे 2 मूव्स एक रास्ते से हुए और दूसरे रास्ते से 3 मूव्स हुए। ऑब्वियस ही बात है कि जो 2 मूव्स है वो मिनिमम है, तो हम इसी को आंसर मानेंगे। फाइन, तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये एग्जांपल है और इसमें जो ग्रिड गिवन है वो ऐसी गिवन है कि ये 3x3 की ही ग्रिड है और इसमें डॉट एक्स डॉट है, देन डॉट एक्स डॉट है, एंड देन डॉट 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 है। जहां पे भी डॉट है वो फ्री सेल्स है और एक्स का मतलब कि हर्डल है। हर्डल का मीनिंग ये है कि हम भाई उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जो सोर्स गिवन है वो ये गिवन है और जो टारगेट गिवन है वो 0 2 गिवन है, इसका मतलब कि ये मेरा टारगेट है। तो हॉरिजेंटल लाइन पे आप यहां से यहां नहीं पहुंच सकते क्योंकि बीच में हमारा हर्डल है, तो ये मूव हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है कि अगर हम हाथी मान रहे हैं तो वो यहाँ पे भी मूव कर सकता है और यहाँ पे भी मूव कर सकता है। तो अगर वो यहाँ मूव करता है तो निश्चित रूप से वो एक ही मूव में यहाँ पहुंच गया होगा। फिर इसके बाद अगर उसको यहाँ पहुंचना है तो वो एक ही मूव में पहुंच गया होगा, तो 2 मूव ये लगे। इसके बाद टारगेट पे पहुंचने के लिए वो ऐसे जाएगा। सो दिस इज इन द थर्ड मूव यू रीच हियर। तो जो इंट्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि चूंकि हर्डल कहीं पे भी हो सकते हैं तो इसलिए हमें सारी पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन करना होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि हम इसको सॉल्व कर पाए। सारी पॉसिबिलिटीज के इंक्लूजन के लिए हमारे पास एक क्यू होना चाहिए। उस क्यू में जैसे जैसे नई पॉसिबिलिटीज आती रहें आप उसको इंक्लूड कराते रहें और एक स्टेटस मेंटेन कर लें, जिससे कि आपको ये पता रहे कि इस सेल में आप पहले से पहुंच चुके हैं या नहीं पहुंचे हैं। इंट्यूशन ये भी है कि अगर आप पहले सेल किसी एक सेल में पहले से पहुंच चुके हैं तो उसमें कम एफर्ट लगेगा, और अगर आप उसमें बाद में पहुंच रहे हैं तो ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा मूव्स लगेंगे। तो अगर आप पहली बार टारगेट सेल पर पहुंच जा रहे हैं तो आप मानेंगे कि यही मिनिमम मूव है इस जिससे आप यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच का भी यूज कर रहे हैं अगर हमने सारी पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन किया है। तो आइए एग्जाम्पल को लेके और इसके सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस किया था, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके एक ग्रिड बना लेते हैं। एंड लेट्स से दिस इज द ग्रिड
And in this grid, we have three cross three grid. And in this three cross three grid, the blank cells and the hurdles are given. So let's say this is dot, this is x, and this is dot. This is dot, this is x, and this is dot. This is dot, this is x, and this is dot. Now, आपको साथ ही साथ एक स्टेटस मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, तो इतने ही साइज का एक स्टेटस ग्रिड ले लीजिए. लेट्स टेक द स्टेटस ग्रिड ऑफ द सेम साइज. यहाँ पे सारी वैल्यूज -1 से इनिशियलाइज्ड हैं. आपने देखा था कि जो आपका सोर्स है वो है 0 0 पे और जो टारगेट है वो आपका है 0 2 पे. तो इसका मीनिंग क्या है कि जो सोर्स है उसको आप क्यू में इंक्लूड करा दीजिए और धीरे धीरे हम पॉसिबिलिटीज का इंक्लूजन करते हुए इस क्यू में वैल्यूज को ऐड करते चलेंगे. टारगेट जो आपका सेल है वो टारगेट सेल है 0 2, तो आपको यहाँ पे पहुंचना है. तो आइए हम इस एक्टिविटी को करते हैं. सबसे पहले आपने 0 0 को आपने क्यू में डाला और स्टेटस में 0 0 सेल में आप वैल्यू डालेंगे 0, क्योंकि यहीं से आप अपने गेम को स्टार्ट कर रहे हैं. फिर आपने डिलीट किया 0 0 को और डिलीशन के बाद फिर आपने देखा कि इसके राइट में, अच्छा इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे हो सकता है. आप राइट में भी मूव कर सकते हैं, आप लेफ्ट में भी मूव कर सकते हैं, आप डाउन में भी मूव कर सकते हैं और अप में भी मूव कर सकते हैं. तो 4 डायमेंशनैलिटी का हम यूज करेंगे. राइट की तरफ पहले मूव करके देख लेते हैं. मान लीजिए कि हम ऐसे देखने की कोशिश करते हैं, राइट देन अप देन लेफ्ट एंड देन बॉटम. तो अगर आप राइट की तरफ देखेंगे, ये मेरा सोर्स है, इसके राइट की तरफ आप देखेंगे तो हर्डल है. तो चूंकि ये हर्डल है बस आप स्टॉप कर देंगे, कोई पॉसिबिलिटी राइट की तरफ जनरेट नहीं होती है. फिर इसके बाद अप की तरफ आप देखें तो यह ऑलरेडी बाउंड्री पे है, तो अप जाने की कोई बात ही नहीं हो सकती. फिर आप इसके लेफ्ट में देखें तो बाउंड्री ये नहीं जा सकते, नीचे आप जा सकते हैं. नीचे आप दो तरीके से जा सकते हैं, यहाँ या तो यहाँ से यहाँ चले जाएं, एक ही मूव में आप यहाँ पहुंच जाएंगे, और एक ही मूव में आप यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं. तो दोनों पॉसिबिलिटीज को आप इंक्लूड करेंगे अगर ये पहले से एक्सप्लोर नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि जो सेल है ये वाला वो है 1 0. तो 1 0 सेल पहले से एक्सप्लोर नहीं है, यहाँ पे -1 ऑलरेडी है. तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं. कितने एफर्ट में पहुंचेंगे? 1 एफर्ट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे और इस सेल को आप क्यू में इंक्लूड कर लीजिए. 1 0 को आपने क्यू में इंक्लूड कर लिया. इसी तरह से आप 0 2 0 भी पहुंच सकते हैं, एक ही मूव में आप पहुंच सकते हैं. तो इस पॉसिबिलिटी का इंक्लूजन कर लीजिए और 2 0 को आपने क्यू में इंक्लूड कर लिया. एंड देन इसके बाद आप क्यू से 1 0 को डिलीट कीजिए और 1 0 जो सेल हमारा है, 1 0 सेल मेरा ये वाला सेल है. इस 1 0 सेल से आप देखेंगे कि राइट की तरफ अगर आप देखेंगे तो हर्डल है, नहीं मूव कर सकते आप. आपकी तरफ देखेंगे तो सोर्स ही है जो कि ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है क्योंकि इसका स्टेटस 0 है. ये ऑलरेडी बाउंड्री पे है तो लेफ्ट की तरफ आप जा नहीं सकते, और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो ये सेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है. चूंकि ये सेल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ये हमने कैसे पता किया? स्टेटस वाले एरे से हमने पता कर लिया है कि इसमें इस सेल में इस सेल में -1 की जगह 1 है, इसका मतलब ऑलरेडी एक्सप्लोर है. तो इससे किसी नई पॉसिबिलिटी का सृजन नहीं हुआ, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और क्यू से नेक्स्ट को हम डिलीट करते हैं, नेक्स्ट सेल को, दैट इज 2 0. ओके, एक मेरे से छोटी सी गलती हो गई है, इसको मैं सुधार लेता हूँ. यहाँ पे हर्डल नहीं है. ओके, सो 2 0 सेल को मैंने डिलीट किया और 2 0 सेल से देखते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है. सो 2 0 सेल से राइट की तरफ आप देखेंगे तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं. यहाँ ये पहले से इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं और इसमें एफर्ट जो लगेगा वो इससे एक ज्यादा, मतलब कि 2 एफर्ट में आप यहाँ पहुंच जाएंगे. तो ये जो सेल है वो है Q1 सेल. आप इस पॉसिबिलिटी को क्यू में इंक्लूड कर लीजिए. इसके साथ साथ आप 2 0 सेल से आप यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं, 2 2 सेल्स में. ये पहले से एक्सप्लोर नहीं है तो इस पॉसिबिलिटी को इंक्लूड कर लीजिए और 2 एफर्ट में आप यहाँ पे भी पहुंच सकते हैं. 2 2 को आपने क्यू में इंक्लूड कर लिया. अभी आपने राइट मूव देखा, लेकिन अप मूवमेंट पॉसिबल है तो 2 0 से, लेकिन वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है. लेफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि बाउंड्री पे है, डाउन भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी ये बाउंड्री पे है. सो क्यू से 2 1 सेल को डिलीट करते हैं. तो 2 1 सेल मेरा ये वाला सेल है और इस 2 1 वाले सेल से अगर आप देखेंगे तो राइट मूवमेंट में जहां जो एक सेल है वो ऑलरेडी आप पहुंचे हुए हैं, स्टेटस बता रहा है वो -1 नहीं है. अपवर्ड मूवमेंट आप करेंगे तो यहाँ हर्डल है आगे जाने का, कोई सवाल नहीं उठता. लेफ्ट में जो सेल है वो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है और चूंकि ये सेल बाउंड्री पे, इसलिए आप डाउन नहीं जा सकते. तो इस पॉसिबिलिटी को आप यहीं पे क्लोज कर देंगे
द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आप इंक्लूड करते हैं 2-2 की पॉसिबिलिटी है, और 2-2 से हम आगे जाने की कोशिश करते हैं। राइट मूवमेंट इससे पॉसिबल नहीं है 2-2 से, क्योंकि ये बाउंड्री पे सेल है। अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है, आइए अपवर्ड मूवमेंट करके देखते हैं। सो अपवर्ड अगर आप एक स्टेप जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, जो पहले से एक्सप्लोर नहीं है स्टेटस के हिसाब से। तो ये जो सेल है वो 1-2 सेल है, और 1-2 सेल में जो वैल्यू आप सेट करेंगे वो 2-2 से एक ज्यादा सेट करेंगे, मतलब 3 स्टेप में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ इसी सेल से आप एक ही स्टेप में पहुंच सकते हैं 0-2 सेल में। 0-2 सेल पहले से एक्सप्लोर नहीं है, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे पहुंचने में हमें 3 एफर्ट लगेगा, 2-2 सेल में जितना एफर्ट लगा था उससे एक ज्यादा। दोनों नई पॉसिबिलिटीज हैं, इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कि 1-2 एंड 0-2। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे आप 0-2 सेल पे पहुंचे, ये मेरा टारगेट सेल है, और चूंकि आप टारगेट सेल पहुंच चुके हैं इसलिए टारगेट सेल में जो भी वैल्यू है वही आपका आंसर होगा। तो स्टेटस एरे में टारगेट सेल में जो भी आपका वैल्यू है यही आपका आंसर होगा, इसका मतलब कि इसका आंसर 3 होना चाहिए। तो आपने देखा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए मुझे एक स्टेटस एरे की जरूरत पड़ेगी जो कि बिल्कुल उसी साइज का है जिस साइज का हमारा ग्रिड है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि ग्रिड का साइज क्या है, ग्रिड में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो इसको आप ऐसे पता कर सकते हैं ग्रिड डॉट साइज से। इसके बाद फिर स्टेटस एरे जो है वो वेक्टर और वेक्टर आप ले सकते हैं, जो कि हमें 2D एरे डिक्लेयर कर देगा। इसके अलावा हमें क्यू की जरूरत है। क्यू में आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज एक साथ स्टोर की जा रही हैं, इसका मतलब है कि मुझे पेयर्स के फॉर्म में क्यू में डेटा वैल्यू इंक्लूड करनी होगी। तो हम क्यू ऐसा बनाएंगे जो कि पेयर्स वाला होगा। सो इसको हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्यू ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर, लेट्स से क्यू, ये क्यू लोअर केस में होगा, तो हमने क्यू डिक्लेयर किया होगा। इसके बाद क्यू में हमने क्या किया होगा कि जो सोर्स सेल है या जो स्टार्ट सेल है उसको हमने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए हम एक्टिविटी को करते रहेंगे और मूवमेंट करते रहेंगे। मूवमेंट करते समय हम 4 डायमेंशनैलिटी को चेक करेंगे, इसका मतलब है कि किसी भी सेल से हम राइट जाने का भी रास्ता देखेंगे, हम अप जाने का भी रास्ता देखेंगे, हम लेफ्ट जाने का भी रास्ता देखेंगे, और हम डाउन जाने का भी रास्ता देखेंगे। इनमें से जो भी पॉसिबिलिटी हम जिस भी पॉसिबिलिटी में मूव कर सकते हैं वहां पे हम नई वैल्यू सेट करेंगे स्टेटस में और उसको क्यू में इंक्लूड करेंगे। तो एक्टिविटी तब तक चल सकती है जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए, या फिर आप ऑलरेडी इसी क्यू के थ्रू टारगेट सेल पे पहुंच गए तो भी अपने ऑपरेशन को स्टॉप कर सकते हैं। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं। सो ये मेरा एक फंक्शन है जो मिनिमम मूव्स नाम का फंक्शन है। गिवन क्वांटिटी इसमें एक ग्रिड है जो कि स्ट्रिंग है, इसका मतलब वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है, नॉट स्ट्रिंग, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है। इसमें स्टार्ट सेल, स्टार्ट एक्स, स्टार्ट वाई, गोल एक्स और गोल वाई, ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है स्टार्ट और गोल के। इसके बाद फिर आपने जो ग्रिड की साइज है उसको एन मान लिया है। एक वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर किया लाइन नंबर 23 में, आप वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं। और वेक्टर ऑफ वेक्टर डिक्लेयर कैसे कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंटीजर स्टेटस नाम का, जिसमें एन रोज होंगी और हर एक वेक्टर अपने आप में एक एन एक वेक्टर होगा इंटीजर टाइप का, एन साइज का, और इसके सभी साइज को -1 से इनिशलाइज कर दिया हमने। एक क्यू हमने ले लिया है पेयर टाइप का, और इसमें जो पेयर हम बना रहे हैं वो इंटीजर कॉमा इंटीजर का बना रहे हैं। जो स्टार्ट एक्स स्टार्ट वाई सेल है या जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम पेयर बना के क्यू में डाल दे रहे हैं। आपको पता होगा कि पेयर आप कैसे बनाते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज करें और 2 वैल्यूज को कॉमा करके लगाते हैं, ये हमारा पेयर बन गया। एक और तरीका है कि हम पेयर बना सकते हैं, वो मेक पेयर से बना सकते हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर अगर आपको ये वाला तरीका आता है। सो क्यू में आपने स्टार्ट सेल को पुश करा दिया है। इसी तरह से जो स्टेटस हमने अरे बनाया है उसमें स्टार्ट एक्स और स्टार्ट वाई पोजीशन में 0 सेट कर दिया, इसका मतलब ये इनिशियल सेल है, यहीं से हमारा गेम स्टार्ट हो रहा है। जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। एक पेयर नाम, एक पेयर टाइप का वेरिएबल पी ले लिया है, पी क्यू के फ्रंट से डिलीट करते हैं एक एलिमेंट को और उसको पी में ले लेते हैं। करंट रो एंड करंट कॉलम सी आर सी सी है, जो हमने पेयर डिलीट किया है क्यू से, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम करंट रो मान लेते हैं और जो सेकेंड वैल्यू उसको हम करंट कॉलम मान लेते हैं। इसके बाद हम राइट मूवमेंट करते हैं। तो राइट मूवमेंट करने के लिए मैंने एक जे ले लिया है वेरिएबल, जो करंट राइट मूवमेंट में कॉलम्स चेंज होंगे। तो कॉलम्स 1 बाय 1 हम चेंज करते रहेंगे। जे की पहली वैल्यू 1 है तो हम करंट कॉलम से एक कॉलम आगे जाके देखते हैं, अगर ये बाउंड्री पे नहीं है और इस
नए कोऑर्डिनेट पे एक्स भी नहीं है, इसका मतलब हर्डल भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आगे जा सकते हैं। आगे जाने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर इसका स्टेटस पहले से -1 है तो ये पहले एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अगर ये पहले एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं और इस नए कोऑर्डिनेट पे नई वैल्यू सेट करते हैं स्टेटस में, दैट विल बी 1 मोर देन द करेंट कॉलम, करेंट रो एंड करेंट कॉलम। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो 00 डिलीट हुआ तो सीआरसीसी में 00 है, और जो हम नया कॉलम नया हम राइट की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो 01 हो। तो अगर 01 पहले से एक्सप्लोर नहीं हुआ है तो 01 सेल में हम वैल्यू सेट कर रहे हैं 1 मोर देन द स्टेटस ऑफ 00, क्योंकि एक ही मूवमेंट में हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं स्टेटस, इसलिए इसको क्यू में इंक्लूड भी करेंगे। तो सीआर और CC+J जो नया पेयर हमारा जनरेट हो रहा है उसको हम क्यू में इंक्लूड कर लेते हैं। आपको ये भी चेक करना होगा कि जो आपने नया पोजीशन यहाँ माना है अगर वो गोल है, मतलब कि सी करंट रो गोल एक्स के इक्वल है और करंट कॉलम प्लस जे गोल वाई के इक्वल है, तो इसमें हम अपने गेम को स्टॉप करेंगे और स्टेटस एरे में गोल एक्स और गोल वाई पोजीशन में जो भी वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर देंगे। जे को ++ इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा ग्रिड 4x4 साइज का हो, तो मूवमेंट एक ही माना जाएगा। एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ग्रिड है और ये ग्रिड लेट से बड़ी ग्रिड है, 5x5 की मान लेते हैं कि ग्रिड है ये, और जो मेरा स्टार्ट सेल है वो ये वाला है। ओके, तो अगर हम मान लें कि ये 0 0 है तो मुझे करंट रो में 0 वैल्यू मिली है और करंट कॉलम में 0 वैल्यू मिली, और मैंने एक जे की वैल्यू 1 लिया है। राइट मूवमेंट के दौरान मैंने जे को चेंज कराया है। अगर आप जे की वैल्यू 1 लेते हैं तो इस सेल की मूवमेंट की बात आप कर रहे हैं, और ये जो 0 1 सेल है वहां आप एक स्टेप में पहुंच सकते हैं। इसी तरह से आप 0 2 में भी आप पहुंच सकते हैं एक ही स्टेप में, क्योंकि ये हाथी वाला मूवमेंट है, इसका मतलब है कि कई जंप्स आप ले सकते हैं एक ही सेल से, या तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली। तो जे की पहली वैल्यू 1 थी, अब जे की वैल्यू 2 होगी तभी आप 0 2 सेल में पहुंचेंगे, जब जे की वैल्यू 3 होगी तो आप 0 3 सेल में पहुंचेंगे, ये भी आप एक ही स्टेप में पहुंचेंगे। और अगर जे की वैल्यू 4 होगी तो आप 0 4 सेल में पहुंचेंगे और एक ही मूवमेंट में आप यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए हमने जे को वेरी कराया है लूप में लेके, जब तक हम बाउंड्री पे नहीं पहुंच जाते या हर्डल नहीं आ जाता तब तक हम ये मूवमेंट करते रहेंगे। जिस तरह से आपने राइट मूवमेंट किया है उसी तरह से हम अदर मूवमेंट्स भी करेंगे। तो आइए इसको, इसका जो कोड है मैं रेप्लिकेट कर देता हूँ। मैंने इसी को रेप्लिकेट कर दिया है, जैसे मैंने राइट मूवमेंट के लिए लिखा था वैसे मैंने लेफ्ट मूवमेंट के लिए लिख दिया। लेफ्ट मूवमेंट में जो के की वैल्यू है वो हम करंट कॉलम में से माइनस करेंगे और बाउंड्री यहाँ पे तब पहुंचेंगे जबकि यहाँ पे इस जे माइनस के की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसी तरह से हमने अपवर्ड मूवमेंट में रो नंबर को चेंज किया है और के की वैल्यू एक ले लिया है जो कि रो को चेंज करेगा, और अपवर्ड मूवमेंट में रो नंबर्स कम होंगे। सेम इसी तरीके से जैसे आपने राइट और लेफ्ट मूवमेंट्स किए थे, इसी तरह से डाउन मूवमेंट में आपने के की वैल्यू 1 ले लिया और कई सारे सेल्स आप नीचे जा सकते हैं 1 बाय 1, अगर हर्डल नहीं मिला है और फ्री मूवमेंट है तो आप हाथी जैसा चाल चल सकते हैं इसमें। तो हमने रो नंबर को इंक्रीज करते करते आप बाउंड्री पर जब तक नहीं पहुंच जाएंगे या हर्डल पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप इसको इस मूवमेंट को करते रहेंगे। इसके बाद अगर हमें वैल्यू या इस गोल सेल पहुंच गए हैं तो आपने देखा कि चाहे आप डाउन से गोल पहुंचे हैं या आप अप से गोल पहुंचे हैं या आप लेफ्ट से गोल पहुंचे हैं, इन सभी केसेस में आप अपना आंसर या स्टेटस अरे कि इस सेल की वैल्यू को आप रिटर्न कर दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप नहीं पहुंच पाते गोल पे कभी भी तो क्यू एम्प्टी करके हम वापस आएंगे, इसलिए एंड में हम -1 रिटर्न करते हैं। तो ये -1 रिटर्न करने का सिंपल से मीनिंग है कि हम कभी भी गोल सेल पे नहीं पहुंच पाए। आइए इसको रन करके देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि आपके सैंपल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं एंड यू हैव क्लियर ऑल अदर टेस्ट केसेस एज वेल। सो दिस इज द प्रॉब्लम नोन एज कैसल ऑन द ग्रिड, दिस इज द प्रॉब्लम एट द हैकर एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।